Hi guys, in this video we're going to discuss built-in modules. So let's start the video. So coding करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि modules क्या होते हैं, ठीक है? So अगर definition के ऊपर जाएं, तो you can actually consider a module to be the same as a code library, ठीक है? किसी और language में जिसको आप library बोलते हो, Python में आप उसी को module बोलते हो. A file containing a set of functions you want to include in your function. So in short, मॉड्यूल इज नथिंग बट अ पाइथन फाइल. एक पाइथन फाइल है जिसके अंदर फंक्शंस लिखे हुए हैं और आप उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो और उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हो. क्यों करोगे ऐसा? रीयूजिबिलिटी के लिए. अगर आप लेट्स से कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन या कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हो जहां पे आपको आई डोंट नो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल फंक्शंस की जरूरत है, तो आप वो सारे मैथमेटिकल फंक्शंस का कोड खुद से नहीं लिखोगे. इंस्टेड आप क्या कर सकते हो कि कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो, किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो और आप उसको यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है? सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड यूजिंग मॉड्यूल्स, कि कोड रियूजेबल होता है. कोड रियूजेबिलिटी के लिए हम मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, ठीक है? अब पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है. इनफैक्ट अगर आपको सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स का लिस्ट चाहिए तो आप फिर से हेल्प फंक्शन के अंदर मॉड्यूल्स टाइप कर दो और ये आपको आपके सिस्टम के ऊपर जितने भी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं उनका लिस्ट दे देगा. जैसे मैं अभी एनाकोंडा के ऊपर इस कोड को रन कर रहा हूँ, तो एनाकोंडा जो पूरा इंस्टॉलेशन है इसके अंदर जितने मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं ये उन सबका लिस्ट निकाल रहा है और थोड़ी देर में वो मुझे बता देगा. बट अगर आप एक नॉर्मल आइडल विंडो के ऊपर ये काम करोगे तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स थोड़े कम आएंगे. सो यू कैन सी इस पॉइंट पे मेरे मशीन में ये सारे पाइथन मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं एंड दीज आर क्वाइट अ लॉट, मतलब बहुत सारे हैं. हम इनमें से सिर्फ 4 मॉड्यूल्स अभी पढ़ेंगे और बाकी मॉड्यूल्स हम ग्रेजुअली इस कोर्स में आगे पढ़ते जाएंगे. ऑब्वियसली हम सारे के सारे कवर नहीं कर सकते, इतना कवर करने का जरूरत भी नहीं है, बट हम लोग इंपॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको 4 मॉड्यूल्स का एग्जांपल दिखाऊंगा और उनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा. एक बार अगर आप एक मॉड्यूल को यूज करना समझ गए तो फिर आप किसी भी मॉड्यूल को यूज कर सकते हो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द मैथ मॉड्यूल. सो सच में अगर आपको कभी जरूरत है बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस की तो मैथ मॉड्यूल आपका हेल्प कर सकता है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग याद होगा तो वहां पे आप हैश इंक्लूड और इस तरीके से आप stdio.h लिखते थे. यहां पर ये सिंटेक्स नहीं है, यहां पे आप सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हो और उसके बाद लाइब्रेरी का नाम लिखते हो, लाइक दिस मैथ. अगर आप इस कोड को रन करो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा विच शोज कि आपका कोड सही से काम कर रहा है. अगर आप यहाँ पे कुछ भी गलत नाम देते तो वहां पे आपको एरर थ्रो होता और वो बोलता नो मॉड्यूल नेम्ड जो भी आपने टाइप किया, ठीक है? बट अगर आपने सही नाम दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब आप क्या कर सकते हो, आप उस लाइब्रेरी के नाम को पकड़ के डॉट प्रेस करके यू कैन प्रेस टैब और जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल. उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस है उसका लिस्ट एक्सेस करने का ये तरीका है, ठीक है? सो यू कैन सी दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मैथमेटिकल जो भी आपने बचपन में फॉर्मुलेज और चीजें पढ़ी हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. सो मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि मैथ डॉट पाई एक चीज है जो आपको पाई का वैल्यू रिटर्न करता है. सिमिलरली मैथ डॉट ई है जो आपको ई का वैल्यू रिटर्न करता है. सिमिलरली यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे कि फैक्टोरियल जिसका कोड हमें बाकी जगहों पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक फंक्शन है. सिमिलरली वी हैव मैथ डॉट सीन, अगर आप यहाँ पे 6.3 दोगे तो ये आपको 7 देगा. सिमिलरली देर इज मैथ डॉट फ्लोर, अगर आप यहाँ पे 6.9 दोगे तो ये आपको 6 देगा, ठीक है? और बहुत सारे और फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस और पता नहीं यार जितनी भी मैथ में चीजें आपने पढ़ी हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. बहुत ही इलैबोरेटेड फंक्शन मॉड्यूल है और यहाँ पे यू विल गेट ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है? तो द बेस्ट वे टू लर्न दिस मॉड्यूल इज कि आप इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करो, मतलब आप जो भी फंक्शंस आपको यूजफुल लग रहे हैं या आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं आप उनको
एक बार रन करके देख सकते हो. सो देयर इज स्क्वायर रूट. ठीक है, तो ज्यादा मैं यहाँ पे हर फंक्शन के पीछे नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे आपको दिखाना था कि आप लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कैसे करते हो और फंक्शन को कॉल कैसे करते हो, तो वो मैंने आपको दिखा दिया. एक और इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी मैं आपको दिखाता हूँ जो आप काफी यूज करोगे आगे जाके, विच इज द रैंडम मॉड्यूल. तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फर्स्ट इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल. अब रैंडम के अंदर टैप प्रेस करके यू कैन सी आपके पास ये सारे फंक्शन है. जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन है वो ये है, रैंड इंट. ये एक फंक्शन है जो एक गिवन रेंज के अंदर आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देता है. सो अगर मैंने 1 से 100 लिखा तो इट इज गिविंग मी 74 रैंडमली सेलेक्ट करके. जितनी बार मैं ये कोड रन करूंगा आई विल बी गेटिंग अ डिफरेंट नंबर बिकॉज वो रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है. ठीक है, ये हमने यूज भी किया था थोड़े दिन पहले जब हमने वो गेसिंग गेम बनाया था. ठीक है, सो रैंडम के अंदर एक और जो बहुत यूजफुल फंक्शन है वो है शफल बोल के. शफल क्या करता है, एक आइटरेबल को, एक लिस्ट जैसे ऑब्जेक्ट को शफल कर देता है. मतलब जैसे आप कार्ड्स को शफल करते हो वैसे ही. सो ओके, ये परमानेंट शफलिंग होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा और यहाँ पे हमें ए को डालना पड़ेगा और फिर हम ए को प्रिंट करेंगे. लेकिन सी, आप जितनी बार भी इसको रन करोगे उतनी बार शफलिंग हो रही है. ठीक है, दिस इज लाइक शफलिंग ऑफ कार्ड्स. ठीक है, तो अगेन इसमें भी कई सारे फंक्शंस हैं बट दो तीन ही बहुत यूजफुल हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो. सो रैंडम इज वन मोर मॉड्यूल जो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट एक और मॉड्यूल है जो आपके लिए काफी यूजफुल है, दैट इज द टाइम मॉड्यूल. सो टाइम मॉड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम स्टैम्प मिलता है. अगर आप टाइम डॉट टाइम को कॉल करो तो आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा. टाइम स्टैम्प इज बेसिकली 1st जनवरी 1970 मिडनाइट से लेके इस मोमेंट तक जितने भी सेकेंड्स पास हुए हैं ये वो नंबर है. आप जब जब इसको एग्जीक्यूट करोगे ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा. जैसे अभी 73 मतलब 2 सेकंड्स पार हुए, 75 फिर से 2 सेकंड्स पार हुए, 77 2 सेकंड्स पार हुए, थोड़ा रुकते हैं और आप रन करते हैं, 81 4 सेकंड्स पास हुए. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर होता है टाइम डॉट सी टाइम जो आपको करेंट टाइम बताता है. सो दिस इज द करेंट टाइम. मेरे हिसाब से मेरे ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से. ठीक है, सिमिलरली होता है टाइम डॉट स्लीप जो डीले इंड्यूस करता है जो कि आप कभी कभी यूज करते हो. सो मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट हेलो और मैं आधे सेकंड का डीले ले रहा हूँ या 1 सेकंड का डीले ले रहा हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ वर्ल्ड, यू वुड सी पहले हेलो प्रिंट हुआ और उसके 1 सेकंड के बाद वर्ल्ड प्रिंट हुआ. ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज हैं टाइम मॉड्यूल की जो आप यूज करते हो. अगेन हम लोग टाइम एंड डेट के ऊपर एक अलग वीडियो पूरा बनाएंगे. सो आपको अभी इसका उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. इस वीडियो का मेन पर्पज इज कि आप समझो कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और उनको यूज कैसे किया जाता है वो आपको दिखाना है. ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और दिखा रहा हूँ, द ओएस मॉड्यूल जो अगेन बहुत यूज होने वाला मॉड्यूल है. सो ओएस के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस है. अगर आप टैप प्रेस करो तो यू गेट अ रेंज ऑफ फंक्शंस जो आप यूज कर सकते हो. मैं आपको दो दिखाता हूँ. गेट सीडब्ल्यूडी बोल करके एक होता है जो इसका फुल फॉर्म है गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो ये आपको आपका करेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देगा. सो इन माई केस यू कैन सी दिस इज द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी. सिमिलरली एक और फंक्शन होता है लिस्ट DIR. सो ये क्या करता है कि ये आप जिस डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी की बाकी फाइल्स और आपकी फाइल को लिस्ट कर देता है. सो यू कैन सी इस पॉइंट पे मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर ये 3 फाइल्स अवेलेबल है. ठीक है, सो दिस इज द फाइल जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये फाइल पिछले वीडियो वाला और ये एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल है. ठीक है, तो अगेन ओएस मॉड्यूल भी बहुत यूज होता है. ओके, तो या दैट्स इट, इतना ही दिखाना था आपको. सो इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें पूरे वीडियो को तो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल वही होता है जो किसी और लैंग्वेज में लाइब्रेरी को बोला जाता है. इट इज बेसिकली अ फाइल, पाइथन फाइल जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं. किसने लिखे, पाइथन के डेवलपर्स ने लिखे. और क्यों लिखे, सो दैट हमारा काम आसान हो जाए, हमें हर चीज का कोड खुद से ना लिखना पड़े. और ये सारे फंक्शंस लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं इनटू अ फाइल. सो कल को अगर मुझे रैंडम नंबर्स रिलेटेड कुछ भी फंक्शनैलिटी चाहिए तो मैं रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करूंगा. मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी चाहिए तो मैथ्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट करूंगा. तो आपको बस अपने पर्पस, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना होता है
और उनको चलाना होता है, ठीक है। द गुड पार्ट इज कि अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई मॉड्यूल नहीं है, तो आप अपने खुद के भी मॉड्यूल्स बना सकते हो, ठीक है। वो हम तब सीखेंगे जब हम फंक्शंस बनाना सीखेंगे, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ कैन यू मेक योर ओन मॉड्यूल्स, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।